बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुथ ही बदल गई एक शख्स से, सारे शहर को वीरान कर गया। आज हम बात कर रहे हैं मेरे सबसे अजीज दोस्त फिरोज आलम साहब का, जिनका अभी कुछ दिन पहले यानी कि 20th ऑफ दिस मंथ अचानक डेथ हो गया। रियली उनके डेथ ने मुझको इतना ज्यादा शॉक किया कि हमारे लिए उनके लिए एक लफ्ज नहीं है। मेरी खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें कि आखिरी लम्हे में मैं अपने प्यारे दोस्त के पास था, उनकी आखिरी सांस भी हमारी बाहों में ही गुजरी। लेकिन जिंदगी कहा जाता है ना कि आप ये जिंदगी का एक कड़वा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मैन इज बॉर्न टू डाई, लेकिन इस पर बात करने से हम सभी कतराते हैं कि हम मरने के लिए पैदा हुए हैं। और वाकई हमारे फ्रेंड ने, उनकी मौत अभी बहुत कम एज में 40s में ही थे, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, अचानक उनकी मौत, उनके पीछे उनका भरा पूरा परिवार, फैमिली, माँ, फादर का तो इंतकाल हो गया, माँ, वाइफ, छोटे बच्चे, उनकी मौत और कई ऐसे सबक आमोज चीजें जो मैंने अपने प्यारे दोस्त की जुदाई से सीखी, वो आपके बीच में हम शेयर करना चाहेंगे। जब वो आखिरी लम्हा, इंसान का वो आखिरी लम्हा उसके बिल्कुल करीब होगा, जब उसको महसूस हो रहा होगा कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, तो दुनिया का वो खुशकिस्मत तरीन इंसान होगा, वो ये सोच रहा होगा, वाह क्या जिंदगी थी, मजा आ गया, जिंदगी क्या मजा आ गया, जिसके जबीन पर जर्रा बराबर भी किसी भी तरह का कोई भी शकन नहीं। हालांकि वो बहुत सारी इंसान जो है उस वक्त का क्या आलम होता होगा, जाहिर सी बात है वो वही मरहूम जानते होंगे, लेकिन चेहरे से जर्रा बराबर भी कहीं से भी कोई रिमोर्स या किसी भी तरह का चीज उनके से झलक नहीं रहा था। वो खुददारी का वो पैकर थे। उनकी तरफ से हम एक शेर कहना चाहेंगे जो मेरे प्यारे दोस्त फिरोज आलम साहब की तरफ, वो एक इतने खुददार इंसान थे जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये जो खुददारी का मैला अंगोछा है मेरा, ये खुददारी का जो मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कार्य आ जाएं, मैं अगर बेच दूं इसको कई कार्य आ जाएं। खुददारी का ये आलम है कि उन्होंने अपना सेल्फ मेड, एक इंसान जो होता है ना बिल्कुल सेल्फ मेड होता है वो इंसान, इन सब चीजों को आप सोचेंगे कि ये क्या है कि इस वीडियो में इस तरह की बातें हम शेयर कर रहे हैं। ये जाहिर सी बात है यूनिवर्सल ट्रूथ है, वी ऑल हैव टू फेस। तो अपने आप को मेंटली हम लोगों को इस तरह से तैयार करना है कि अगर कोई आए और कहे कि भाई नाउ योर टाइम इज ओवर, तो मेरा फर्स्ट रिप्लाई होना चाहिए यस आई एम रेडी। हम अपने दोस्त को जब हमने इस हालत में मेरे लैब में, उन्होंने अपनी लास्ट, ही टुक द लास्ट ब्रेथ एंड विदाउट एनी एगोनी जो होती है वो तो अपनी जगह पर रहती ही है, लेकिन ऐसा रहता है कि इंसान जो है वो पूरी जी भर के अपनी जिंदगी को जिसने जिया है, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम इंसान के भरे पड़े रहते हैं, लेकिन अब जितनी लिमिटेड लाइफ हम लोगों को मिली है, कोई बड़ी नोबडी नोज कि हमारा लाइफ स्पैन कितना है, बट व्हाट हमारा जो भी स्पैन हो, हमारी तैयारी इस तरह से हो कि जब भी कभी इस तरह का मतलब सिचुएशन आए, वी आर रेडी। चूंकि मौत बिल्कुल एक अनसर्टेनिटी है एंड इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, और ये सच्चाई है।
अब ये नहीं, हम मेरे वीडियो का ये मकसद नहीं है कि हम आपको जिंदगी के प्रति को लेकर एक नाउमीदी कर रहे हैं, ये एक उम्मीदी होनी चाहिए। मतलब कि लिव इन द प्रेजेंट। हम लोग बहुत सारी चीजों को अपने कल के ऊपर टालते जाते हैं। टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है। हमें आज में ही जीना है। इस तरह से हमारे फ्रेंड ने बिल्कुल, उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें लगता ही नहीं है, इतना करीब बचपन से, ये मेरे फ्रेंड की जो तस्वीर पीछे लगी हुई है, बचपन से इतना ज्यादा करीब हम लोग थे ना कि हमारे पास वर्ड्स नहीं है। और फॉर्चुनेट हम अपने आप को मानते हैं कि आखिर वक्त में भी हम उनके साथ थे। जाहिर सी बात है कि फैमिली, उनकी पूरी की पूरी फैमिली बहुत कम एज में गवर्नमेंट जॉब में होने के बावजूद, उनका लिविंग स्टाइल जो है ना, ये हमें बहुत मुतासिर कर गया। वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ, उन्होंने दुनिया में हमें एक सबक सिखाया, जो उन्होंने लेसन हमने उनसे सीखा कि इंसान में क्या तकब्बुर, जब हमारा अल्टीमेट गोल हमारी ये मिट्टी है, ये जिस्म को इस मिट्टी में जाना है, यही दफन होना है हमें, तो फिर किस चीज का घमंड, किस पोस्ट का हमें घमंड होता है, किस चीज का लेकर हमें घमंड होता है, ये हमारे दोस्त में बिल्कुल था ही नहीं। वो एक बिल्कुल ऐसा लगता है ना, इंग्लिश की कहावत है ना कि टू होम गॉड लव्स डाई यंग, बिल्कुल इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे फ्रेंड में बिल्कुल भरी पड़ी थी, जरा बराबर भी उनमें जरा ये चीजें। और हम लोगों को भी चाहिए कि सबसे बड़ी चीज होती है कि तरबियत, जिसको हिंदी में हम लोग कह सकते हैं संस्कार, ये अगर आप में है ना, तो आपके बच्चों में वो चीजें ट्रांसफर, जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत चीजें हैं। ये जाहिर से बात है, अपने फ्रेंड में हमने देखा, फ्रेंड के हम लोगों का एक सर्किल होती है, सबों का मिजाज लगभग सब एक तरह के हैं, लेकिन उनके में एक इनडिफरेंट जो ये था, फिरोज आलम साहब, एक अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे, और इनके मुतल्लकीन को, इनके रिलेटिव्स को, इनके वालदैन को, इनकी माँ को, इनकी जो बेवा हैं और इनके बच्चे हैं, इनको सब्र जमील अता करे। वाकई में इनकी ज़िंदगी को अगर हम उठा कर देखते हैं ना, तो एक बहुत मशाल राह हम दोस्तों के लिए मशाल राह बनती है। नमाज का जमात के साथ अदा होना, किसी से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करना, खा वो छोटा ही क्यों ना हो। कभी भी आज तक हमको याद नहीं है कि मेरे इस दोस्त ने, इनकी तस्वीर यहां लगी हुई है पीछे हमारे, कभी भी हमें याद नहीं है कि हमारे दोस्त ने, हम लोगों का लबो लहजा कभी ऊंचा पिच हो जाया करती थी, लेकिन हमारे दोस्त का कभी नहीं था। बहुत रियली अंदर से, आपने देखा होगा कई दिनों से हमारी वीडियो आ भी नहीं रही थी, काफ़ी डीप शॉक में थे। अब अल्लाह से, ऑलमाइटी से प्रे है कि उनको जन्ना में, मे ऑलमाइटी प्रोवाइड हाईएस्ट प्लेस इन द जन्ना एंड द बिगिनिंग ऑफ दिस ब्यूटिफुल मंथ्स ऑफ रमजान, ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड फॉर इटर्नल जर्नी। इस चीज का हमें हमेशा मलाल है, बहुत सख्त ये है। अब सिर्फ हम लोग दुआ कर सकते हैं, और एक जिंदगी में उनके मतलब इस तरह से हम लोग तैयार रहें, बिल्कुल किसी भी तरह का, किसी भी जो गज्स या जो दिलों में जो मैल हम पाल कर रखते हैं ना, इन सब चीजों से किसी से कोई नफरत नहीं, सब कुछ को डिलीट, अनकंडीशनल लव। हमने जो अपने दोस्त में देखा है, उनके में क्वालिटी थी अनकंडीशनल लव, वो उनके में एक बहुत बेसिक क्वालिटी थी जो कि इनको औरों से बिल्कुल जुदा करती है। वंस अगेन दिस इज अ स्मॉल ट्रिब्यूट टू माय डियरेस्ट फ्रेंड, मे ही सोल रेस्ट इन द हाईएस्ट प्लेस इन द जन्ना, एंड अल्लाह इनके तमाम रिश्तेदारों को सब्र जमील अता करे। डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी एंड हैव अ नाइस डे।